हाय गाइस, मैं हूं आपका अपना एलविश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस 17 के अंदर काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही हैं, जिन्हें देखकर आप भी काफी ज्यादा शॉक्ड भी हो रहे होंगे, क्योंकि वो चीजें ऐसी हो ही रही है फिलहाल। जैसा आपने अभी के एपिसोड में देखा था कि मुनार फाकी और UK07 गले लगते हुए नजर आए थे, और जिसको लेकर आप सभी को बता दें कि एलविश यादव का रिएक्शन आ चुका है। एलविश यादव ने इन दोनों के गले लगने और फिर कह सकते हैं कि इन दोनों की फ्रेंडशिप होने पर क्या कुछ कहा है, चलिए मैं आपको बताते हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जब बिग बॉस के घर के अंदर मुनार फाकी और UK07 आमने सामने आए थे, तो मुनार फाकी ने फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया था, लेकिन UK07 ने फ्रेंडशिप नहीं की थी और वो कुछ अलग ही अंदाज में चल रहे थे, जो कि वो गेम खेलने के मोटिव से बिग बॉस के घर के अंदर आए हैं। लेकिन मुनार फाकी ये सभी चीजें छोड़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन मुनार फाकी ने ये सभी चीजें छोड़कर उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था लेकिन उन्होंने दोस्ती नहीं की थी। लेकिन जब UK07 अभी काफी ज्यादा अपनी माँ को याद करके काफी ज्यादा सैड हो रहे थे, तब सभी लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुनार फाकी उन्हें देखकर काफी ज्यादा रो रहे थे, क्योंकि मुनार फाकी की माँ अभी इस दुनिया में नहीं है, आप सभी जानते हैं। और वो कहते हैं कि जब जब मैं किसी को अपनी माँ के लिए रोता देखता हूँ, तो मुझे भी अपनी माँ की याद आती, क्योंकि तुम तो घर से बाहर जाने के बाद अपनी माँ से मिल लोगे, लेकिन मेरी तो माँ इस दुनिया में है ही नहीं। और वो दोनों काफी ज्यादा गले लगकर रोते भी हैं। फिलहाल चलिए भी आपको बताते हैं कि इसको लेकर मुनार फाकी या फिर UK07 को लेकर एलविश यादव ने क्या कहा। तो आप सभी को बता दें कि ये क्लिप सोशल मीडिया के अंदर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर आप सभी को बता दें कि मुनार फाकी के एक फैन पेज ने इसको शेयर किया हुआ था, जहां पर एलविश यादव का एक कमेंट देखने मिला, जहां पर उन्होंने लिखा हुआ था, मत रो भाई, मैं भी ये सब फील करके आ चुका हूं, बस संभल कर रहे। एंड साथ उन्होंने गिरगिट की इमोजी दी हुई थी, जहां पर उन्होंने ये साफ जताया कि यहां पर लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, क्योंकि उन्होंने गेम की तरफ इशारा किया है। और ये चीज हमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मुनार फाकी को बोली है, क्योंकि वो UK07 को सबसे पहले से सपोर्ट करते आ रहे हैं, क्योंकि UK07 ने भी एलविश यादव को बिग बॉस के घर के अंदर सपोर्ट किया था। और ये चीज कहीं ना कहीं मुनार फाकी फैन को काफी ज्यादा बुरी भी लगी होगी। फिलहाल आप सभी इस पूरे अपडेट पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, मैं कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, एंड इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।